So, okay, I know this comes to us in what we need for that. और क्योंकि क्रिसमस नजदीक है तो हम यीशु मसीह के क्रिसमस क्या है भाई बहन सारी बातें मसीह के ऊपर लिखाते हैं है ना। सो हम उस मसीह के बारे में हमें अच्छी तरह हमें जानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है और वो सचमुच आया है या पहला की बात क्यों चैप्टर 1:5 शॉर्ट है तो यहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है कितना है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। और ये शब्द बाइबल में एक और जगह में लिखा है पता है कहां पर पुराने नियम में यूट्रॉनमी व्यवस्था की पुस्तक 6:4 में परमेश्वर इसराइलियों को कह रहा है अब इसराइली उस यर्दन के उस पार है और प्रतिज्ञा के उस देश में जाने वाला है और परमेश्वर इसराइलियों को ये बातें बता रहे हैं क्योंकि उस कनान में क्या हो रहा है बहुत सारे गड़बड़ियां बहुत सारे मूर्ति पूजाएं और बहुत सारे धर्म वहां पर हम देखते हैं और परमेश्वर इसराइलियों को अपने जातियों को उस देश में देने से पहले कह रहा है याद रखो तुम्हारा एक ही परमेश्वर और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है। बिछवाई समझते हैं कितने लोग नहीं समझते हाथ पर एक हफ्ते बहुत सारे लोगों के
सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। एक मंडे हम लोग का नेपालियों के बीच में हम लोग ने स्पेशल आउटरीच हर मंडे करते हैं, नेपालियों के घर में जाकर सुसंदेश सुनाना। और हमारे चर्च से बहुत सारे लोग आए थे और सब मिलकर सुसमाचार सुनाए। और उसके बाद थर्सडे, उसके बाद कल भी मैं दो डॉक्टरों को सुसमाचार सुनाया, एक था कैथलिक और दूसरा था मुस्लिम। और सो इन गए हफ्ते में मैं बहुत सारे बातें हुई और मैं बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न पूछा, क्या आप जानते हैं आप पापी हैं? तो सारे लोगों ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं पापी हूँ, समस्या मुझमें है। और बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को मैं ठीक मैं पापी नहीं हूँ, मैं ऐसा लोगों को कहता हूँ, या तो वो उसको नहीं मालूम पाप क्या है, या तो वो मंदी है और अपने आप को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, और या तो उसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आदत से जितना भी इंसान पैदा होता है सारे लोग दोस्त और सारे लोग पापी हैं। और उस लाइक उस व्यक्तियों को कौन कहता है तुम पापी हो, किसी को कहने की जरूरत है, अंदर से उसकी आवाज देखिए समस्या। पाप क्या है? पाप वो हर बातें हैं जो जैसा कह सकते हैं, कई बार मैंने प्रचार नहीं किया है पाप क्या है। पाप वो सारी सोच सारी क्रिया है जो परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में जो भी बातें करते हैं वो सारे पाप। और हम जानते हैं पाप कहाँ है और हम क्यों पैदा से पापी हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं हम आदम की संतान हैं, क्योंकि आदम ने बात की और हम पापी छोड़ दिए। और बाइबल ये भी कहते हैं कि पाप की मजदूरी जो पेमेंट है वो है मृत्यु। सो बहुत सारे लोग अपने पापों को छुपाने के लिए है ना, कौन दिखाना चाहते हैं, कोई दिखाना चाहते हैं, मैं भी नहीं दिखाना चाहता मेरे पाप मेरे कमजोरी। पर इंसान को क्या करना चाहिए, जब मेरे पास समस्या होता है तो मैं परमेश्वर के पास जाना चाहिए। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं जब आदम और हवा ने पाप तो क्या हुआ, परमेश्वर के पास जाकर प्रभु हमने गड़बड़े की, हमें तो कृपा कर कहने के बजाय वो क्या हुआ, उत्पत्ति में परमेश्वर के दूर भाग गया, परमेश्वर से दूर भाग गया। और क्या हुआ, आदम और हव्वा ने पत्ते से अपने नंगे शरीर को बनाना शुरू किया। पर ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर आदम और हव्वा के पास गए। दुनिया में कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं है, है ना। हम जब आज हम मसीह लोग हम परमेश्वर को ढूंढते, पर हम जब मसीह में नहीं था तो हम क्या करें, हम परमेश्वर से दूर भागने वाले व्यक्ति और अपने आप को पत्ते से ढूंढने वाले व्यक्ति। पत्ते क्या दर्शाते, दुनिया के धर्म वर्ण मनुष्य के अपनी बलबुद्धि पर किया हुआ वो पूजा पाठ, वो कैंडल, वो धूप, कुछ बात यह है कि हम इंसान पाप में गिरने के बाद परमेश्वर आदम और हवा के पास आए और कहा देखो मैं जानता हूं तुमने गड़बड़ी की, पर गुड न्यूज ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धार करता हूं। सो आज का विषय है कि यीशु मसीह प्रतिज्ञा की गए हुए आए और चले गए, और यीशु मसीह
लोगों में से बहुत अलग है। यीशु ख्रिस्त सचमुच यूनिक बाकी हो सकते है ना। बहुत सारे गुरु और बहुत सारे अपने आप को ईश्वर पर होने वाले लोग आए और चले गए, पर यीशु मसीह उनमें से बहुत अलग है। क्या बातें हैं जो यीशु मसीह सारे लोगों से अलग करता है, उसके बारे में देखते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बाइबल हमें बताते हैं कि हाँ, मनुष्य ने गड़बड़ी की और परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया कि मैं देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता के विषय में बताऊं। सो यीशु मसीह के दुनिया में आना ये अचानक ये घटना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है ना। क्योंकि पत्रस के किताब कहते हैं कि एक चीज कहते हैं कि वो हम पाप में गिरने से पहले या इस दुनिया को रचना करने से पहले परमेश्वर हमारी उद्धार की योजना बना चुका। स्वर्ग पुत्र ने भी क्या परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है या आने वाले दिनों के बारे में सब कुछ जानता है? मैंने उसको कहा हाँ। इसके लिए परमेश्वर को अंग्रेजी में एक शब्द है सॉवरेन गॉड, पता नहीं क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर को मालूम था हम मनुष्य पाप में गिरेंगे और इसके लिए और वो हमें बाइबल ये भी कहते हैं कि हमारे पापों का प्रायश्चित धर्म और कर्म या पूजा पाठ या प्रार्थना या ज्ञान और बुद्धि नहीं है। हमें पापों से हमारे पापों का बलिदान को डिमांड करता है। सो हमने पाप की और पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो मृत्यु में बलिदान को दर्शाते हैं। और हिब्रू 9 का 22 में ये लिखा है कि हमारे पापों का क्षमा केवल लहू से होगा। और हिब्रू 9 के 12 में ये भी लिखा है कि हमारे पशुओं का बलि से मेरे पाप कभी नहीं धुल सकते, मेरे पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाप किए और मैं रात दिन में 1000 पशु बलि करूं, जीवन भर मैं बलिदान करूं, फिर भी मेरा पाप समान नहीं होगा। पशुओं को बलि से मेरा पाप समान नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि पुराने नियम में ये एक नियम परमेश्वर ने दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बलिदान आने वाले मसीहा को बताते थे। सो इसके लिए पर आज हम बलिदान नहीं करते हैं। सो बाइबल कहते हैं कि हमारे पापों का प्रायश्चित केवल लहू से होगा, बलिदान से होगा, और वो पशु का बलि नहीं, मनुष्य का बलि भी नहीं, उससे भी कहीं बढ़कर बलिदान की आवश्यकता है। और हम जाते हैं पूरा बाइबल में बता रहे हैं कि यीशु मसीह वो बलिदान था, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आए। यीशु मसीह सच में बलिदान हुआ है ना। और सो ये बातें परमेश्वर ने आदम और हवा को बताई थी और उसके आने वाले संतान 2000 बरस बाद अब्राहम को बताई थी, उसके पुत्र कौन था? अब्राहम का पुत्र जोर से ओके इजाक को भी बताया था कि तुम्हारे वंश से मेरे उद्धार आने वाला है। और अब इजाक का पुत्र का नाम क्या था? याकूब को भी बताया गया कि तुम्हारे वंश के द्वारा उद्धार करने वाला। और उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइल के एक गोत्र यानी कि यहूदा यहूदा को भी बताया गया था कि तुम्हारे वंश से उद्धार करने वाला। और उतना ही नहीं परमेश्वर ने दाऊद को भी बताया गया था। दाऊद कौन था? दाऊद को भी बताया गया कि तुम्हारे गोत्र से एक उद्धार करता आने वाला है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त दिखाना चाहूंगा। और यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से पहले दो प्रकार के उसके बारे में भविष्यवाणी किए गए थे। ओके, प्रतिज्ञा किए हैं उद्धार करता। सो एक प्रतिज्ञा थे यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, एक सताए जाने वाले मसीहा के रूप में आएंगे। और दूसरा
भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह राज्य करने वाले मसीह के रूप में आएंगे। बाइबल में ये दो भविष्यवाणी यहाँ पर हम देखते हैं और इज़राइल के पास ये सब इज़राइल को सब मालूम था, यहूदियों को ये सब मालूम था। मालूम होते हुए भी उन्होंने जैसा योहन्ना 1:11 में देखा है, यीशु मसीह अपनों के पास आए और अपनों ने उसको स्वीकार किया। पता है क्यों? क्यों ना? उनको ये मालूम होते हुए भी उन्होंने स्वीकार नहीं था। बाइबल में इज़राइल यीशु मसीह को किस रूप में देखना चाहते थे जब पहली बार आया था? राज्य करने वाले। पर ये जो दूसरा भविष्यवाणी था, तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में थे। और यीशु मसीह जो दोबारा आया नहीं है, आने वाला है, और ये भविष्यवाणी उसके दूसरा वो था जो पहला आने वाला था, वो एक सताए जाने मसीह के रूप में आने वाला है ना, और वो भविष्यवाणी। पर यूहन्ना कहते हैं वो अपनों के पास आ रहा हूँ, अपनों के मुझे स्वीकार नहीं। और बाइबल के हमें यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यीशु मसीह सारी दुनिया के सारे लोगों के लिए आए, यहूदी हो या अन्य जाति। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, पर जितनों ने, चाहे वो यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, जितनों ने मसीह यीशु को अपने उद्धार करता पर विश्व जानकर विश्वास की और उसको स्वीकारा, बाइबल कहते हैं उसको परमेश्वर ने सारे पाप क्षमा और उसको परमेश्वर ने उसकी बेटी और बेटा होने का अधिकार। हालेलुया। एक दूसरे ने कैसे कहा परमेश्वर को बेटी या बेटा कैसे तो ये सच्चाई है। और सो यीशु मसीह प्रतिज्ञा किए हुए वो उद्धार करता है। हाँ ओके। और जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान और यीशु मसीह, बाय द वे यीशु मसीह बाकियों में से क्यों अलग है? उसकी दो बातें हैं, दो महत्वपूर्ण बातें। एक ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने से हजारों वर्ष से लाइक सदियों से उसके बारे में द्वारा अलग अलग जगहों में से उसके बारे में भविष्यवाणी की गई। वो कहाँ पैदा होगा, लाइक हम लोग गॉस्पल के क्लास कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा बहुत शायद आप लोग याद होगा, यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे, कैसा जन्म लेंगे, क्यों जन्म लेंगे और उसका जीवन और उसका उसके सारे डिटेल्स के बारे में भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी जानना चाहते हो मेरे पास, वो कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म लेगा, क्यों जन्म लेगा और वो क्या होगा, कब लेगा, सारी बातें। और इतने में यीशु मसीह अब दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित का बलि होगा और उसको सताए जाएंगे। हमें सारी बातें क्रूस में क्या क्या बातें होंगी, सारी बातें भविष्यवाणी की गई। और इतना ही नहीं, उसको एक बड़ा धनी मनुष्य के कब्र में रखा जाएगा और इतना ही नहीं, वो मृत्यु से तीसरे दिन बाद जी उठेगा। इन सारे बातों के बारे में यीशु मसीह आने से हजारों बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ। ऐसा कौन व्यक्ति है, आप मुझे बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है इस दुनिया में, ऐसा कौन देव है और ऐसा कौन ईश्वर है जिसका पैदा होने से पहले अलग अलग लोगों के द्वारा भविष्य में ऐसा कोई यीशु क्या? और इसलिए आप और हम जिस यीशु पर विश्वास करते हैं वो हमें सत्य सत्य है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और किसी ने नहीं कहा कि मैं हूँ, है ना। हाँ मैं पीटर हूँ, बहुत लोगों ने कहा, पर मैं स्वर्ग के द्वार हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं मैं जीवन किसी का सिवाय यीशु मसीह। और यीशु मसीह जिस पर आज हम विश्वास करते हैं, जिसके साथ हम संगति करते हैं, जिसके वचन को हम पढ़ते हैं, जिसके साथ हम सुबह शाम और जब भी हमारे जीवन में
जरूर पड़े तो हम प्रार्थना करते हैं और जो हमारा प्रार्थना को सुनता है वो सुनते हैं यीशु और दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे अविश्वासी बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने भी यीशु के आने का वो सारी इतिहास है, ओके इतिहास है, बहुत सारे हिस्टोरियन, जैसा मैंने लिखा था पहला हिस्टोरियन जो उसका नाम है टैसिटस, ओके और स्नेटोनियोस और जोसिफस, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन इतिहासकार जिसके इतिहास में यीशु के बारे में जिक्र किया गया, उस वो कैसा जन्म हुआ, वो उसको कहाँ मारा गया, क्यों मारा गया और वो निष्पाप थे और फिर भी, ये सारे बातें अविश्वासी इतिहासकार बता रहे हैं। इसका पहले मतलब ये है कि आप जिस यीशु पर, आप जिस चट्टान पर हम खड़े हैं, आप जिस हम नींव पर हम खड़े हैं, वो नींव हिलने वाले नींव है ना, जैसा मत्ती 16:18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को इस चट्टान पर स्थापित करूंगा और वो चट्टान यीशु है और वो चट्टान कभी नहीं हिलने वाला है। यीशु ने मत्ती 7:24-27 तक एक बात कही है, वो ये है कि यीशु ने कहा है, मूर्ख है वो जो बालू में अपने घर को खड़ा करता है। बालू क्या बताता है? बालू कहते हैं बालू, मूर्ख है वो जो अपने घर बालू में ना अपना घर का नींव बालू में लगा। बालू क्या बताते हैं? दुनिया के धर्म कर्म, इंसान के अपना कोशिश, इंसान का अपना बुद्धि और ये सारे बातें, और जो जो एक दिन नीचे में मिलने वाला है और उन पर अपने घर घर खड़ा करने वाले घर भी खुश में मिल जाए, है ना। पर यीशु वो चट्टान है, यीशु ने कहा है बुद्धिमान वो है जो अपना घर चट्टान में बना, चट्टान में है ना बना, और वो चट्टान यीशु है। बाइबल में बहुत सारे एपिसोड्स में उस चट्टान के बारे में बताया गया, यीशु मसीह वो कौन स्टोन है या घर का वो कौन स्टोन है और यीशु मसीह वो चट्टान है। और इसलिए विश्वासियों हमें इस बात पर हमें आनंद करना है, हालेलुया, मेरा 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 नींव या मेरा मेरा हर चट्टान पर खड़ा है ना, यीशु यीशु को चट्टान, यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर और यीशु के कारण हमें पाप लेकर। सो वाओ, अनेक इस बात में हमें आनंद करना है। यदि हमारे जीवन में तूफानें आते हैं, समस्याएं आते हैं, हम इस बात से हमेशा आनंद कर सकते हैं कि मैं मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं है ना, और मेरा 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 जीवन व्यर्थ नहीं है और मेरा जीवन यीशु से खड़ा है। सो इस बात में हमें आनंद, और इसीलिए मसीह, हम मसीह लोग प्रभु यीशु के साथ प्रतिदिन और भी गहरा संबंध और उसको हमारे जीवन में पा लेते हैं, ये होता है क्योंकि यीशु सोचा। सो हमने भविष्यवाणी में की और इतिहासकार की बातें हमने बताई, ये सारी बातें बताते हैं यीशु आने वाले दिनों में, और भी हम लाइक यीशु के केस के बारे में हम और भी एविडेंस है ना, यीशु सत्य है करके आने वाले दिनों में और भी संदेश। सो हिस्टोरियन कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं, ये सारी बातें एक ही बात बता रहे हैं, यीशु सत्य है, जो उसने उसने कहा मैं हूँ और वो है ना, और वो सत्य है। और बाइबल ये भी कहते हैं, जैसे दूसरा भविष्यवाणी कहते हैं, वो जल इस दुनिया में फिर आ हुआ, पता है क्यों वो आने वाला है? बाइबल कहते हैं विश्वासियों उसकी साथ देखे जाने में बादल में आएगा, और फिर
फिर उसके बाद 7 वर्ष के बाद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इस दुनिया में आए और दुनिया का न्याय होगा। सो इसके लिए पिछले संडे भी हमको हमारे परिवार जो असुरक्षित है उनको सुसंदेश सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये हमारे लिए सचमुच आनंद की बात है ना। और हम नहीं देख सकते एक दिन उन लोगों को नरक में, क्योंकि हमारे परिवार के लोग शायद हो सकते हैं उस बालू में अपना घर बनाया होगा, राइट। अरे मैं मुझे बाइबल सब मालूम है ना, मैं मुझे बहुत मालूम है, पर यदि उसने अपने जीवन यीशु को दे दिया तो वो बुद्धि हो ज्ञान कुछ काम कर लेते हैं। हो सके एक व्यक्ति कहते होंगे अरे मैंने चर्च बना लिया, पर यदि उसने यीशु को विश्वास नहीं किया So, ये बातें है, इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए हम सुसमाचार चाहिए। सो उत्पत्ति से लेकर आखिर तक हम दो ही बातें हम देखते हैं, लाइक कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर दो ही बातें शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे, पता ही क्या वो अभी हम इसको बाय पार्ट करेंगे। परमेश्वर का दो उद्देश्य मनुष्य के जीवन, एक क्या है एक जुर्म बंगाल एक व्यक्ति को उद्धार में आना होगी, इसके लिए हम सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। पहले भी ये परमेश्वर की इच्छा है दुनिया के सारे लोग उद्धार में, जैसा दूसरा पत्र 3:9 कहते हैं परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में जाते हुए नहीं देख सकता है। मत्ती 18:14 कहते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति नरक जाए, है ना। और इज़कियल 18:23-32 कहते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वो शायद लाइक दुष्ट को, फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नरक जाए। इसीलिए ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, अविश्वासियों पड़ोसी के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, और परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को प्यार उनको दें, है ना। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुसमाचार सुनाएं, इसलिए मैं हमें कहीं भी मौका मिला हमें नहीं छोड़ना है। मैं एक मुस्लिम बालक के घर में नहीं काम करना चाहता, होटल में काम करते थे और मैं तो कभी छूट नहीं रहा था, और बहुत साल और सच महसूस नहीं थी विश्वास और मैं ऐसे बहुत सारे बातें, लाइक हम चाहे मालिक हो या चाहे मेरा सीनियर हो, चाहे मेरा मेरे साथ काम करने वाले दोस्त हो या कोई भी हो, मुझे मौका मिला तो कल मैं डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने एक शुरुआत किया, लाइक एक मुस्लिम थे और दूसरा क्या थे, मैंने बोला कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा तो मैं इधर देखा क्या करूँ, तो फिर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने बोला क्या आपको मेरे साथ बात करना चाहते हो, सिंस वी हैव टाइम है ना, हमारे पास समय है ना, लेट्स टॉक। और बोला चलो बात करते हैं, तो मेरा पास ट्रैक से ये हफ्ते में सबसे अच्छा कन्वर्सेशन सुसमाचार सुनाने का, मैंने बोला ये सोच मुझे कहाँ से आए, कहने का मतलब ये है कि हमें कहीं भी मौका मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं कैसे उसको बता सकता हूँ, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं वो सुरक्षित, लाइक मैं जब लाइक मेरा मुंबई में जितने भी दोस्त हैं, मेरा रियली फ्रेंड्स हैं, हम सारे लोग विश्वासी, और एक दिन वही लोग मुझे गाली दे देते, तुम क्या यार अलग है, तो आज सारे लोग
मेरा पड़ोसी, मैं जहां भी जाता हूं या तो वो लाइक अभी दो बातें मेरे साथ होता है, या तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा या तो बहुत पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं छोटा उसको समझता, मुझे पसंद इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कहते क्योंकि मैं उसको सत्य बातें सुनाता हूं, परमेश्वर के बारे में बताता हूं, और या तो मुझे स्वीकार करते हैं ना। सो लाइक मैं परवाह नहीं करता हूं, हमें मसीह लोगों को परवाह नहीं करना है कि लोग मेरे बारे में अरे छोटी सोचते हैं सोचते लोग, पर मेरे अंदर जो मेरे पास जो गवाह है और मैं अंदर में एक बड़ी कंपनी के काम कर रहे मैनेजर, तो मैं बहुत कोशिश किया कि उस कंपनी के मालिक से बातें जो सुसमाचार से अभी तो ऐसा मोड आएगा प्रभु, वो बाइबल खोल कर देखे और पढ़े और उससे जीवन बदलना है। सो हम क्या कर सकते हैं ना, सो हमें आज का संदेश में हमने ये बात, और पहले दूसरी बात ये है कि उद्धार में आने के बाद परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, कार्य हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, इसलिए कलेशिया है, इसलिए बाइबल की वाचन से, इसलिए हम विश्वासी आपस में एक अच्छे होते हैं और बहुत बातें करते हैं और फेलोशिप करते हैं। कलेशिया का मतलब है वो हमारे जीवन बनाना चाहते हैं, हमें प्रतिदिन वो शुद्ध करना चाहते हैं, वो हमारे सोच को हमारे अंदर जीवन को बदलना चाहते हैं और वो हमारे जीवन में कार्य करें। हमें सो हे हम सब लोग सही होते हैं।